टीम इंडिया इस समय आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है टीम का मजबूत टॉप ऑर्डर और गेंदबाजी। जब भी भारतीय टीम के टॉप तीन बल्लेबाज यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन ने लंबी पारियां खेली है, तब बड़ा स्कोर बनाया है या लक्ष्य का पीछा आसानी से हो जाता है। वहीं जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के आगे रन बनाना पार तोड़ने से भी कठिन होता है। पिछले दो साल में भारत की जीत की ये दो बड़ी वजह रही है, लेकिन मध्य क्रम की टीम कमजोर कड़ी है। ऐसे कई मौके आए जब मध्य क्रम के बल्लेबाज टीम की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए हैं। पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी अब पहले जैसी बल्लेबाजी नहीं कर पाते। संभवत यह सबसे बड़ा कारण है कि मिडिल ऑर्डर नाकाम रहा है। 22 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कप्तान विराट कोहली के 67 रन बनाकर चौथे विकेट के रूप में आउट होने के समय भारत का स्कोर 4 विकेट पर 135 रन हो गया। इसके बाद भी करीब 20 ओवर का खेल बाकी था, लेकिन इसमें भारतीय बल्लेबाज केवल 89 रन बना सके और 5 आउट हो गए, जबकि अधिकांश समय तक महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर मौजूद थे। अंतिम 20 ओवरों में भारत के कम रन बनाने की बड़ी वजह एमएस धोनी और केदार जाधव का तेजी से रन ना बना पाना था। ये दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करने में भी असफल नजर आए। हालांकि धोनी इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी में दिखे। अफगानिस्तान के स्पिनरों के खिलाफ उनका बल्ला एकदम जाम हो गया। अफगानिस्तान के खिलाफ धोनी 52 गेंदों में मात्र 28 रन बना पाए। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि भारत को अभी विश्व कप 2019 में लंबा सफर तय करना है। ऐसे में अगर धोनी का खराब प्रदर्शन जारी रहा तो भारत का तीसरी बार विश्व कप जीतने का सपना टूट सकता है।